तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। ट्रैकिंग स्टार्ट है हम लोग का, और चढ़ाई बहुत कठिन है, तो इसलिए हम लोग थक जा रहे हैं। तो आराम कर करके, और सबसे ज़्यादा ये थक जा रहे हैं। इधर गए ये, नहीं ऐसी हमें कोई विश्वास बात नहीं था कि हम 1 किलोमीटर भी चले हैं, लेकिन 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। अब 23 किलोमीटर बची हुई है। तो ये देखिए, इट्स मी आकाश यादव। ओ दोस्त, तुम भी आ जाओ। तो हम लोग इतने जनों हैं, तो फिर आपसे मिलते हैं आगे। तब तक सुबह हो जाएगी, सुबह का इंतजार कीजिए, तो अच्छा व्यू दिखाएंगे। हाँ तो भाई, आप लोग रील्स बहुत देखते हैं केदारनाथ का, तो रील्स देख के तो हंसते होंगे, लेकिन आज हम भी हंसते थे और खुद यात्रा नाप रहे हैं। तो जितना मज़ा रील्स देखने में, उतना मज़ा उतना कष्ट है जाने में। आप अगर अपने घर में सोए हो एसी में या रजाई में, और आप केदारनाथ का वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर, और उसके बाद आप सोचोगे कि मैं केदारनाथ जा रहा हूँ, तो भाई वैसे मत आना। यहाँ केदारनाथ आने के लिए आपको प्रॉपर 1 महीना पहले से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का ख्याल रखना पड़ेगा, बॉडी में जो हीटिंग है उसका मेंटेनेंस अच्छे से करना पड़ेगा, सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऐसे या हम ऐसे नहीं झोला उठाए चल दिए, जैसे हम लोग चल दिए, ऐसे मत आइएगा भाई, रिक्वेस्ट है। पड़ी चौक से एक बार केदारनाथ, नोएडा में बैठे हुए थे, रील्स देखे एक ही बार केदारनाथ, केदारनाथ ऐसे मत करना। पूरा आना तो फुल प्रिपरेशन से आना, 15 से 20 दिन पहले से अपना प्रिपरेशन करना। कितना कठिन है, बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। फिर मिलते हैं। तो हेलो गाइस, हम लोग थोड़ा सा स्टे करके 100 रुपये की 60 रुपये का पराठा, 60 रुपये का पराठा मिल रहा है, वो नाश्ता करने जा रहे हैं, क्योंकि सब कोई का दवाई खाना है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ऑक्सीजन का लेवल अभी अच्छा है, ऊपर जाके थोड़ा कम होगा, तो उसके लिए हम लोग ले लिए कपूर, जो कि हर लोग यूज कर रहा है। और ये देखिए, ये बंदे चाय पी रहे हैं, क्या पी रहे हैं, चाय के साथ नमकीन ले रहे हैं। और यहाँ एक नमकीन 5 वाला 15 का है कि 10 का है, 15 का है। पानी 100 रुपया हो गया, नीचे कुछ 50 तक था, फिर 30 तक था, अब 100 का लेवल आ गया। और ये भुला गए थे फोटो खींचने में, अभी मिले हैं। कौन डीजे वाले हैं? बलिया की अनिल डीजे है। इनका बलिया वाले देख रहे होंगे तो इनका डीजे पक्का करे, ये दोनों बाइक का काफ़ी अच्छा डीजे है। तो ठीक, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। हेलो गाइस, हम उस टाइम आपको बताएं कि नीचे थे और इतने ऊपर आ चुके हैं, बहुत थक चुके हैं, फिर भी जाना है। क्या करें सर, बाबा को देखने का बहुत इच्छा कर रहा है, फिर भी चलते चलते इतना दूर तक हम लोग आ गए हैं, लगभग 10 किलोमीटर। ये नहीं, 7 किलोमीटर। ये हमारा ग्रुप है जिसमें हम लोग 5 गो है। ए मंडी, हेलो, कम से कम अब तो यार लाइक और सब्सक्राइब हमें दबा के करो। तो ये हम लोग का ग्रुप है और हम लोग केदारनाथ के लिए निकले हैं, यूपी। हम लोग बिहार से हैं, ये लोग यूपी से हैं, तो साथ में। अब हमारी पहुंच बहुत लंबी होते जा रही है, यूपी से बिहार, बिहार से यूपी, फिर केदारनाथ। तो हम लोग अभी 25 किलोमीटर में 15 से 16 किलोमीटर यात्रा हम लोगों ने कर लिया है, 10 किलोमीटर और बचा है। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिएगा, सब दिखाते रहेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए भाई लोग, बहुत जरूरी है। मिलते हैं अब पहाड़ों में आपके साथ, डायरेक्ट पहाड़ों में नहीं, बर्फ में मिलते हैं, तो 10 दिन से पहाड़े में ऊपर से आएगा, बर्फ मिलते हैं। तो ठीक है, बने रहिए। तो मैं थक चुका हूँ और वहाँ से आया था, जो आपको दिखाया था व्यू, और वहाँ से देखिए ये नज़ारा, आते आते हमको इतना समय लग गया, और बाबा वहाँ है। ये मत सोचिए कि मोबाइल से दिखा दिए तो यही है, यहाँ जाने के लिए अभी हमें 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा, यहाँ 10 किलोमीटर बहुत कठिन है, तो बहुत मुश्किल है, ठंडा बहुत बढ़ गया। देखिए ग्लव्स व्लव्स सब लगा लिए, और बने रहिए ऐसी वीडियो में, आपको अच्छे नज़ारा के साथ दिखाते हैं, फिर बाबा से दर्शन भी कराएंगे। और मैं तो चला गाइस, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपके लिए हम इतना दूर आ गए तो मेरे लिए भी आइए और बोलिए जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्त बहुत हार्ड है यार, अब बुझा रहा है कि बहुत हार्ड है, बीच में तो लगा कि स्लो है। और देखिए यहाँ से लैंडस्लाइड हो रहा था, तो सरकार ने पूरी ढलाई करवा दी है, यात्रियों को दिक्कत ना हुई। देखिए कितनी बड़ी पहाड़ है, व्यू दिखा रहे हैं आपको, बस व्यू देखिए, वहाँ देखिए, बस वही उजला वाला पे जाना है, जाना है। वो ये मन समझिए कि नज़दीक है, वो बहुत दूर है,
बहुत दूर है, कब से दिखाई दे रहा लग रहा है कि बाजू में अभी बाजू में नहीं, लगभग 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर लोग यहाँ के लोग बता रहे हैं। सिर्फ 6 किलोमीटर सुनते सुनते हम 15 किलोमीटर आ गए और पता नहीं बाबा कहाँ है, कहाँ है बस थोड़ी देर में। मेरे मेरे सर के ऊपर देखिए, एक भी ढेला गिरेगा ना, ऊपर देखा तो मैं तो गया काम से बाबा, लेकिन फिर भी केदारनाथ जाना है। जापति पते हर हर महादेव। तो गाइस एक आपको खास बात बता देते, अभी मुझे पता चला है कि 2013 में जो यहाँ आपदा आया था वो रास्ता सीधा था, देखिए कुछ दिख रहा है तो वो रास्ता था, देखिए पूरा 2013 में तहल महल हो गया। और देखिए और एक बात अद्भुत है कि वो मकान बच गया, बाबा की कृपा ये है। एक मकान है वहाँ जो आपको दिख नहीं रहा होगा, जूम करके हम दिखा देते हैं। और ये सब मोदी जी का सेवा है, ये रास्ता यहाँ का लोग बोल रहे हैं कि हम साल में 2 बार आते हैं मोदी जी, तो रास्ता बहुत बेस्ट है। इतना अच्छा रास्ता तो हमारे गांव गली में नहीं है जितना ये पहाड़ों में है। दोस्त ये रास्ता ख़त्म नहीं हो गया, ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और एक मोर प्यार है तो सोच रहे कि एक मोर ख़त्म तो बाबा आएंगे। देखिए ये कितना मोर है, देखिए ये केदारनाथ बहुत टॉप ट्रैकिंग है। मैं हमने सोचा था जिंदगी में एक बार ट्रैकिंग करेंगे, पर ये बहुत टॉप ट्रैकिंग है। ठीक है गाइस, फिर आपको मंदिर के पास मिलेंगे। दोस्त 5 किलोमीटर बोल बोल के तुझे 15 किलोमीटर चला दिया, फिर भी बाबा का नगरी नहीं है। अभी बोल रहा है सबके 5 किलोमीटर दूर है। और देखिए कितना टॉप है चढ़ना है, अब कितना हाइट पे जाना है, थोड़ा जूम करके दिखा दो। बहुत टॉप है, अब बहुत टॉप है, और ठंडी भी पड़ रही है और मौसम भी मतलब चेंज हो रहा है। और इस पहाड़ को देखिए कितनी ऊँचाइयाँ है। ये पहले पुराना वाला रास्ता था जो कि 2012-13 में एंकर जो क्या बोलते हैं उसको आपदा आया था, तो उसमें पूरा ढाल बिछा दिया। तो गाइस ऐसी मेरे वीडियो में बने रहिए और लाइक सब्सक्राइब दबा के करते रहिए। फिर आपसे मिलते हैं अब बाबा के नगरी या बीच में भी अच्छा कुछ दृश्य मिलेगा तो उसमें हम मिलेंगे। ये थे कि मैं घर जाके या सोचता हूँ कि एक फॉर्चूनर गाड़ी ले लेता हूँ। सबके मन में यही है ना कि हम एक लेजेंडर फॉर्चूनर या थार ले लें, लेकिन यहाँ आके पता चला कि थार और फॉर्चूनर लेने से सपना पूरा नहीं होने वाला है। अब सोच रहे हेलीकॉप्टर ले लें, यार चमका रहा है सब, इतना हेलीकॉप्टर चमका रहा है कि समझे में नहीं आ रहा। तो यहाँ हर कोई का सपना अलग बदल गया कि हेलीकॉप्टर ले लें। तो गाइस आप लोग प्यार दीजिए हम कि हम हेलीकॉप्टर ले लें। फाइनली मैं गेट तक पहुँच चुका हूँ, अब आगे आपको दिखाएंगे। फाइनली केदारनाथ पहुंच गए और ये है हेलीपैड जहाँ हेलीकॉप्टर उतरता है। ये हेलीकॉप्टर से लोग यहाँ से जाते हैं। हम लोग को पता नहीं कब नसीब में आएगा, अगली बार तो हेलीकॉप्टर से ही आना है। इस बार सपना था पैदल आने का, वो पूरा हो चुका है। और वो मंदिर थोड़ा थोड़ा दूर है, मंदिर के पास जाके हम दिखाते हैं वहाँ का अच्छा व्यू है। सुबह मंदिर पहुँचने में 20 मिनट हमको लगेगा, तो हम वहाँ पहुँच गए। ऐसी वीडियो बने रही है हम दिखा रहे हैं। तो भाइयों हम पहुँच गए हैं और अभी टेंट लेके हम जा रहे हैं रहने, क्योंकि पूजा कुछ देर के बाद होगा या मॉर्निंग में होगा, साँझ को आरती करने जाएंगे। और यही दृश्य है जो 2012 में पूरा ले डूबा यहाँ का लोग को, पूरा देखिए फिर भी बन रहा है। और वो मंदिर है आपको दिख रहा होगा, मंदिर से भी हम दूर आ गए नहीं तो आपको दिखाते, जाएंगे तो दिखाएंगे। ऐसे मेरे वीडियो में बने रहिए। ये देखिए हेलीपैड है और ये हेलीकॉप्टर आ चुकी है, हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर उतरेगी तो अगली बार मैं भी हेलीकॉप्टर से ही आऊँगा। ऐसे मेरे वीडियो में बने रहिए दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब दबा के करते रहिए और देखिए।